दोस्तों, क्या आप फास्ट फूड का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? अगर आप सोच रहे हैं भाई कि हमको फास्ट फूड का बिजनेस शुरू करना चाहिए, हमको जो हमारी लाइन है, हम होटल लाइन पे जाना चाहते हैं, मतलब कि आप एक अच्छा सा रेस्टोरेंट होना चाहिए, लाइक अभी जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जैसे कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनमें एकदम ट्रेडिशनल टाइप से उनको बनाया जाता है, जहाँ पे चाय मिलती है अच्छी, और चाय एक प्रकार की नहीं, हजारों प्रकार की चाय मिलती है। तो वैसे रेस्टोरेंट अगर आप ओपन करेंगे तो क्या उसमें सक्सेस है या नहीं, पूरी बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ समझ जाएंगी। देखिए, जब आप एक रेस्टोरेंट के बारे में सोचते हो तो अभी रेस्टोरेंट की बात करते हैं, तो रेस्टोरेंट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, फास्ट फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं होता, कभी भी बंद नहीं हो सकता। लोग खाना खाना कभी नहीं छोड़ेंगे, वो बिजनेस हमेशा चलेगा, उसमें आपको 80% सक्सेस होने के चांसेस हैं। और जो 20% चांस होते हैं फेल होने के, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें आप कुछ मिस्टेक करते हो, आपकी जो लोकेशन होती है वो गलत होती है, इसलिए आप उसमें फेल हो सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सारी चीज़ों को समझो, जानो और अपना अच्छा खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो कैसे आप रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको लोकेशन चूज करना है, आपको ऐसी लोकेशन चूज करना है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हो, जहाँ पे भीड़ जमा होती हो, लाइक अगर किसी सिटी में हो तो वो एरिया हो सकता है, अगर वो बस स्टैंड वहाँ पे बनने वाला है, नया बस स्टैंड हो गया, या हॉस्पिटल हो गई, या कोई कॉलेज है वहाँ पे, या कोई क्राउड्स एरिया है, स्टेडियम है, ऐसी जगह पे आप रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब वो रेस्टोरेंट आपको कैसे ओपन करना है, क्या करना है, आपको पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा। आप जाओ जगह जगह पे, पूरी सिटीज़ में जितने रेस्टोरेंट हैं, अगर आपकी सिटी में ऐसे रेस्टोरेंट नहीं है ट्रेडिशनल, तो आप किसी बड़ी मेट्रो सिटी में जाओ, वहाँ पे ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट मिल जाएंगे ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट जो आज के डेट में चल रहे हैं, और वहाँ का इंटीरियर किस तरह से बना होता है, वहाँ पे सर्व कैसे करते हैं, खाना बनता कैसे है, इन सारी चीज़ों पे आप एनालाइज करो, और कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें होती उन पे आप फोकस करो, उन पे लर्निंग करो, देन आप उसमें से बहुत सारी चीज़ लर्न करेंगे, सीखेंगे। आपको ऐसा नहीं कि आपने आज वीडियो देखा, आज आपके मन में ख्याल आया कि भाई मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, और आप पहुँच गए किराए से रूम देखने, किराए से कमरा देखने, और वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलने की प्लानिंग शुरू कर दी। भाई पहले रिसर्च करो कैसे उसमें काम किया जाता है, हो सके तो आप किसी होटल पे, किसी रेस्टोरेंट पे एक आध महीने वहाँ पे गुजारो, चाहे वहाँ पे काम करो, चाहे वहाँ पे बिलिंग का काम करो, चाहे सेल्स का काम करो, चाहे वेटर का काम करो, आप किसी भी काम को करोगे तो लर्निंग होगी, सीखोगे, आप वहाँ से बहुत कुछ ऑब्जर्व करोगे। आप एक महीने किसी रेस्टोरेंट पे काम कर लोगे, एक महीने किसी रेस्टोरेंट पे रह लोगे, तो वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप 50% चीज़ें आप सीख सकते हो। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप रेस्टोरेंट जाओ, वहाँ पे ऑब्जर्व करो, सारी चीज़ों को सीखो, लर्न करो, देन उसके बाद आप अगर खुद खोलना चाहते हो, आपके पास फंडिंग है, तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। 3 से 4 लाख रुपए लगभग फंडिंग लगेगी, अच्छा खासा इंटीरियर बनाने में, एक अच्छा सा पूरा भट्टी तैयार करने में, कहाँ पे फूड रेडी होगा, कहाँ पे हम सर्व करेंगे, कहाँ पे लोग बैठ के खाएंगे, इन सारी चीज़ों का एक लेआउट रेडी कीजिए, एक पूरा डिज़ाइन बनाइए, देन उसके बाद आप फास्ट फूड का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं इसमें फेल हो जाए, फेल होने के 20% चांस होते हैं, क्योंकि आपकी लोकेशन गलत होगी, या तो आप जो खाना बना के दे रहा है, जो फास्ट फूड आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं, जो खाना रेडी हो रहा है फूड, तो उसमें गड़बड़ी होगी, वो ढंग से नहीं बन रहा होगा। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, आप उसमें 100% बहुत अच्छा आइडिया है। देखो, जब आपकी कोई होटल हो, जब आप रेस्टोरेंट ओपन कर लें, तो वहाँ पे जितने भी टाइप के फास्ट फूड बनते हैं, चाहे वो डोसा हो, चाहे इडली हो, चाहे चाउमीन हो, चाहे नूडल्स हो, जो भी आइटम है, आप पहले एक बार उसको बनवाओ, वहाँ पे उस आपके जो मिस्त्री होंगे ना वहाँ पे खाना बनाने वाले, उनसे एक बार पहले उस प्रोडक्ट को बनवाओ, फर्स्ट टाइम सुबह होते ही, देन उसके बाद बोलो कि भाई मेरे को टेस्ट कराओ, आप उस फूड को टेस्ट करो, आपको अगर वो सही लग रहा है, आपको अगर उसका टेस्ट सही लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, देन उसके बाद उसको ओके करो। अगर कुछ भी गड़बड़ी लग रही है तो उसको तुरंत बोलो कि भाई इसमें ये गड़बड़ी है, ये कमी है, इसको चेंज करो, और ऐसे ही प्रोडक्ट दिन भर बनने चाहिए, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी सैलरी कट होगी, देन जो भी डरा के रखेंगे तो अच्छा सा काम करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। देन आपने ये चीज़ तो अगर अप्लाई कर दी कि भाई अगर वो फूड आप खुद चेक करो, देन कस्टमर को सर्व करो, तो वो आगे जाके वो कस्टमर दोबारा भी आएगा खाने, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ होती है ना भाई, आप कहीं पे जाके एक जगह पे आप खाना खा लो, आप कहीं पे एक जगह खाना खाओ, अगर वहाँ पे अच्छी सर्विस मिलती है तो आप दोबारा वहीं पे जाओगे। किसी भी एक दिन ऐसा कर सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस 50% कम कर दो, मतलब जब अगर जो प्रोडक्ट 40 रुपये का है उसको आप 20 रुपीज़ में दो, एक दिन संडे या एक कोई फिक्स डे रख दो कि भाई इस दिन अगर आओगे तो आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा,
तो लोग भीड़ लग जाएगी आपके पास। और क्या होता है ना, जब आप कहीं पे देखते हो, कहीं रोड से निकलते हो और किसी ठेले पे, किसी रेस्टोरेंट या होटल पे देखते हो कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लोग खा रहे हैं, चाहे वहाँ पे समोसे हों, चाहे आलू बंडे भजिए, जो भी हो, नाश्ता कर रहे हैं लोग, तो आपका भी मन होगा कि भाई मैं भी जाके खाना खाऊं, मैं भी जाके नाश्ता कर लूं। क्योंकि क्योंकि लोगों को खाते हुए देख के ना भूख लगती है, ये चीज होता है। तो ये एक फैक्टर है अगर रेस्टोरेंट चलने का। आपने बहुत सारी सिटी में देखे होंगे ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट होते हैं जो बैठे रहते हैं खोल के, लेकिन उनका रेस्टोरेंट नहीं चलता। और एक रेस्टोरेंट ऐसे होता है गली मोहल्ले ठेले पे भीड़ लगी रहती है समोसे के लिए। तो ये चीज होती है, आपको इन सारी चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा, देन आप उस रेस्टोरेंट बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट ओपन करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन चाहिए आपको इसमें फंडिंग, चाहिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट के आप इसको नहीं कर सकते। देखो, इसमें स्पेशलाइज्ड भी बन सकते हैं आप किसी रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं अभी स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग में किसी एक प्रोडक्ट से फेमस हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना भाई कि वो गोलू चाट वाले, वो रामू रामू समोसे वाला क्या समोसे बनाता है यार, वाह। वो लल्लू लाल, अरे वाह यार, उसके दुकान के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं। तो ऐसे करके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ऐसे नाम से फेमस हो जाते हैं, है ना। द्वारका स्वीट्स जाओ, वहाँ पे पोहा जलेबी, आ हा, क्या पोहा जलेबी मिलता है। तो ऐसे जो नाम से एक प्रोडक्ट से फेमस रहता है, तो उस प्रोडक्ट को खाने के लिए सब जाते हैं। तो किसी एक प्रोडक्ट में महारत हासिल करो कि उस प्रोडक्ट को जो भी एक बार खाए दोबारा दौड़ते हुए आए। तो ये चीज़ आपको बहुत सक्सेस बना देगी आगे रेस्टोरेंट बिजनेस में, होटल बिजनेस में। तो आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को अप्लाई करो, और बाकी सारी चीज़ें ठीक है, फिर क्या है, और भी इन डिटेल जानना है आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और सारी चीज़ आपको क्लियरली समझाएंगे कि कैसे आपको सक्सेस होना है, कैसे आपको काम करना है। बस आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि और ऐसे वीडियो आपको देखना है, तो हम और भी वीडियो लाएंगे। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।